लॉकडाउन को मानो वरना कड़ा एक्शन लूंगा। दिल्ली पुलिस का वो पूरा वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 23 मार्च को हजरत निजामुद्दीन के SHO ने तबलीगी जमात के लोगों को भीड़ हटाने की चेतावनी दी। SHO ने तबलीगी जमात के लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाकर नोटिस भी दिया और कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं करवाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आप ही देखें ये वीडियो। करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहाँ पे मरकज में हमेशा 1.5 से 2 हजार की गैदरिंग है। बात है, बात है, है ना? पहले से है या बाद से? आप पहले आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी मेरे सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है, अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर CCTV कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है, और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर हम डेढ़, आप कह रहे हैं हमने 1.5 हजार लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2.5 हजार में से एक रह रहे हैं, 1.5 हजार हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1 हजार है। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ कहाँ के, कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, नौजवान का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी? हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको SDM साहब से बात कर लीजिए, आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर रहे हैं। ये आप इस तरह की बातें मत मेरे से करो यार, आपके पास SDM का भी नंबर नहीं है? ACP साहब मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो, आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा SDM साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको SDM का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2 हजार की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, SDM साहब से संपर्क करें तुरंत, और जैसे कि आज भी कुछ आ रहे हैं इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं, अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को जो आपके लोग आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ, बात को तुरंत प्रभाव से इसको कर लीजिए, और अभी आप SDM साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिस जिसको आगे बसेस से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से करा होगा, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, जो मैंने कहा मैंने सुन ली, कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की वही रही है। इस बात पे मेरे को 1 सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना, मैंने आपको ये बता दिया। SDM साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं SDM साहब से कुछ भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। पर इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, और इसमें किसी तरह से आप वो मत समझिएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।